देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अल्लाह ब्लॉक की ग्राम पंचायत पुरवा पट्टी से ग्राम प्रधान अजीत कुमार द्वारा समस्त ग्रामीण जनों की मूलभूत समस्याओं को लेकर पंचायत में अभी तक किए गए समस्त कार्य शासन प्रशासन की मंशानुसार किए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण जनों का कहना है कि ग्राम प्रधान बिना किसी भेदभाव के समस्त पात्रता की श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों को सभी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाते हैं। वह ग्राम प्रधान जी ने समस्त क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों को आगामी 9 वर्ष की शुभकामना संदेश दिया। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की स्पेशल रिपोर्ट। जी, मैं ग्राम प्रधान पुरवा पट्टी और विकास कार्य हमने जो कराए हैं वो जबर सिंह के घर, एक रामचंद के घर से जबर सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग है, और इसके बाद अमर सिंह के घर से सुंदर सिंह के प्लाट तक इंटरलॉकिंग है, रुकुम सिंह के यहाँ से राजन सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कराई। इसके बाद हमने अंत्येष्ट स्थल बनवाया ग्राम पंचायत में, एकल कक्ष बनवाया। कॉलोनी भी दी है आपने? कॉलोनी भी दी है। कितनी कॉलोनी दी? लगभग 9 कॉलोनी दी है। और बाकी क्या, गौशाला भी है आपके यहाँ? गौशाला नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, गौशाला भी नहीं है आपके यहाँ। और कई एक कच्चे कार्य कराए जनता के लिए। क्या क्या विकासीय कार्य किए हैं कुछ और बाकी? जनता के लिए कई एक पेंशनें बनवाई जिसमें लगभग 40 से 50 पेंशन होगी जी। कई एक कच्चे कार्य कराए हैं जिनके जैसे कि उच्च प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय से रामचंद के घर तक चकमार्ग, और अलवर के प्लाट से पुरान नदी तक चकमार्ग, पुरान नदी से क्या नाम नाथूराम के बाग तक चकमार्ग, से कई एक हैं जो कि 9 वर्ष आने वाला है। अब अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? 9 वर्ष पे जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद 9 वर्ष के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।